थैंक यू जी सर, पहली बार DDC इलेक्शन हो रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो, किस तरह से लोग देखते हैं इसे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये DDC इलेक्शन जो जैन के लिए के बड़ी खुशहाली आई है, इससे ना तरक्की के राह खुल जाएंगे और जो डेवलपमेंट हमारी JNK की रुकी है वो ठीक हो जाएंगे। ये फर्स्ट टाइम इस JNK में हो रहा है। मेरी आशा सभी लोग की सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि ये हमारे जो है DDC इलेक्शन कामयाब हो जाए, ताकि हमारी स्टेट की डेवलपमेंट जो भी सेंटर के फंड्स वगैरह वो भी हमारे वो सब भी हो जाएंगे। जी, आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा जम्मू कश्मीर से? मेरे हिसाब से इससे तो हमारे को बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो जो ग्रास रूट लेवल की हमारी थी, ये जो ग्रास रूट लेवल की ये थी अपनी चुनाव थे, वो ठीक हो जाएंगे और अपनी वो पॉलिटिकल एजेंसी मजबूत हो जाएगी और उससे ग्रास लेवल की डेवलपमेंट सब कुछ हो जाएगी। जी सर, आज आप वोट डाल के आए हो, तो कैसा लग रहा है? पहली बार DDC की इलेक्शन हो रही है, तो आज क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। मैं डिस्ट्रिक्ट अंतराग शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ जी। अलबत्ता थोड़े आने में मतलब एक जगह रखा है, ये रखने चाहिए, हर माइग्रेंट कैंप में रखना चाहिए वोटिंग का प्रबंध जी। जैसे यहाँ लोकलों के लिए है, ऐसे हमारे कम से कम मुट्ठी में एक जाति में एक हर जगह होना चाहिए, तो इससे हमें फैसिलिटी मिल जाती है जी। कि लोग मतलब इसमें थोड़ी डिसइंटरेस्ट हो गए कि इसमें हम दूर से आना पड़ता है। सर, कहीं ना कहीं दूर है, तो इस कारण जो लोग हैं कम आ रहे हैं, इसीलिए कम आ रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कम आ रही है। अगर नज़दीक कहीं मतलब मुठी साइड में एक होता, जानीपुर साइड में एक होता है, या और जगती में एक होता है, उससे हमें आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती, हम सारे लोग निकल के आ जाते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज पहली बार ये DDC की इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहा है? बहुत अच्छा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें लोग मतलब जो लोगों के मसाइल हैं उससे वो हल हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अच्छी बात। धन्यवाद। सर, DDC इलेक्शन आज पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो कैसा आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा जम्मू कश्मीर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो पंचायती राज एक्ट के अंदर थ्री टायर सिस्टम है, ये इसका तीसरा मरहला है। ये बहुत ज़रूरी था, ये जो हमारे इस UT JNK में नहीं था, बाकी ऑल इंडिया में हर स्टेट में था ये, तो ये यहाँ लागू हुआ है। इसमें हमारा वो जो खासकर देहाती लोगों का है, जो गाँव से बिलोंग करते हैं, उनको वोट देने का हक है इसमें, तो इसी के लिए ये था आज दूसरा मरहला था जिसमें हम यहाँ आए जब वोटिंग के लिए आए हैं जी। सर, तो बेसिकली आपको पता ही, हम कश्मीरी माइग्रेंट है, तो हम यहाँ जम्मू में है। गवर्नमेंट ने पहले हमारे लिए नहीं किया था, फिर भी हमने अपनी तरफ से एक कोशिश की, एक जिसमें हम इसका गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार है, खासकर LG साहब का शुक्रगुजार है, उसके बाद हमारे लीफ कमिश्नर साहब का किया, मगर इसमें थोड़ी सी लापरवाही थोड़ी सी हो गई है, क्योंकि हमारा जो मेन कैंप है वो जगती है, मुठी है और परखू है। यहाँ तीन कैंपों में तीन जगह होनी चाहिए था, क्योंकि हमारे कुछ वृद्ध लोग भी हैं जिनका आना यहाँ पॉसिबल नहीं है, खासकर इस कोविड में है,
फिर भी हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार करते हैं, उन्होंने हमारे लिए रखा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने हर किसी को बोला आइए बढ़ चढ़ के इस पोलिंग में आप शामिल हो जाइए और अपना जो कीमती वोट है वो डालिए। तो मर्जी आपके किसको डालिए मगर वोटों में शमूलियत आप कर लीजिएगा। सर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लोग जो है कम आ रहे हैं इसी कारण? नहीं, ये तो मैंने बोल दिया आपको, इसका कारण क्या है, अवेयरनेस भी अभी नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रक्रिया पहले हुआ करती थी वो एम फार्म की हुआ करती थी जो बहुत ही सख्त था, जिसके ऊपर हम बहुत नाराज़ थे इनसे, जिस पर मैंने आपके माध्यम से 5-6 बार बोला है कि ये जो एम फार्म सिस्टम ये खत्म कर लीजिएगा। तो जो इन्होंने एम फार्म खत्म कर लिया, जो वोटर लिस्ट प्रेजेंटली जो कश्मीर से है वही वोटर लिस्ट यहाँ पर भी है और जो उसमें वैलिड जो एलिजिबल जो वोटर है वो वोट डाल सकता है आराम से। धन्यवाद सर। जी सर, क्या कहना चाहते हो, आज DDC इलेक्शन पहली बार आ रहे हैं और इस बारे में क्या आपकी राय है? बहुत ही बड़ी अच्छी बात है जी। आज पहली बार कश्मीरी पंडितों का जो BDM लगाए गए थे एम फार्म के हिसाब से वो खत्म हो चुके हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू LG साहब गवर्नमेंट ऑफ JNK के कि उन्होंने स्टेप तो उन्हें उठा दिया मगर एक जल्दी हुई, इसमें कम टाइम मिला लोगों को, अवेयरनेस कम थी, फिर भी हम उम्मीद करना चाहते हैं कि लोगों को हमने अवेयरनेस दी है थ्रू फेसबुक से, वहाँ से क्या भाई ये वोट डालिए, किसको डालना है किधर डालना है उनकी मर्जी है, मगर जो कश्मीरी पंडित एम फार्म से बंधा हुए थे लोग इनको ख़त्म करने के लिए मैं सल्यूट करता हूँ इस गवर्नमेंट से LG साहब से। और आज उन्होंने इलेक्शन कमीशनर साहब ने हमें 2 बूथ रखे मगर 2 बूथों से काम नहीं चलेगा, अगर आगे जो प्रक्रिया होगी जो इलेक्शन होंगे उसमें आपको बहुत जगती में आज देख लिया, आज कोर है, कोर में भी लोग बहुत मुश्किल होता है कि निकलने का, प्रोवाइड बसेस की अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस लाई गई आज हम लोगों ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज सारी है, मैं भाजपा से हूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज से जो हमने अवेयरनेस की है अभी आ रहे लोग, परसों कम परसेंटेज होगी, मुझे लग रहा है कि आज अच्छी परसेंटेज होगी, आगे के जो फेजेस होंगे अच्छे परसेंटेज, मगर इन 2 काउंटरों से काम नहीं चलेगा, इनको आगे बढ़ाना है। अगर जितने भी इलेक्शन आएंगे, इतिहास में पहली बार JNK में ये DD इलेक्शन हो रहे हैं या काउंसलर इलेक्शन हुए हैं म्यूनसिपलिटी के, उसमें बहुत आप देख लीजिए कश्मीर में कितना जिन्होंने ये गुफ्कार अलायंस का जो कुछ बात कश्मीर में करते हैं कुछ बात वहाँ पर दिल्ली में करते हैं आज उन्होंने पार्टिसिपेशन की है, आप देखिए लोग कितने निकल रहे हैं, उन्होंने इनको 370 के खोप में रखा था, जो ये खत्म हो चुका आप परसेंटेज आप लोगों को खुद माध्यम से पता है, बहुत खुशी है इस बात की कि इलेक्शन में डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहे हैं सब लोग JNK पर्टिकुलरली JNK एंड इन कश्मीर वैली पर्टिकुलरली। तो ये पंचायत में आप देखिए असेंबली इलेक्शन होंगे इससे ज़्यादा परसेंटेज होगी, ये हमारी उम्मीद है क्योंकि ये काम हमारी गवर्नमेंट ये नरेंद्र मोदी जी ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है 70 साल का ये जख्म जो उन्होंने दिया था जो लूट मार उन्होंने की थी वो खत्म हो चुकी है, वो आज लोगों को पता चला कि कौन आदमी इस देश को चलाने वाला है, वो डेमोक्रेसी पर बिलीव रखता है और कोई इसमें नीच बीच नहीं है, मुसलमानों को अपना हक है, हिंदुओं को अपना हक है, सरदारों को अपना हक है, जो भी कम्युनिटी इस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं डेमोक्रेसी में आगे चल रहे हैं, यही एक हमारा डेवलपमेंट का जो नारा था भाजपा का, वो देखिए आपके माध्यम से आपके सामने सारा कुछ चल रहा है।